हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त। बाजार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज आता हूं अपने मार्केटर्स और डिस्कस करता हूं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देते हुए जाता हूँ और उसके साथ तीन स्टॉक को लेकर डिस्कस करता हूँ जिन पर आप लोग कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर पाएंगे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर भी नहीं हूँ। मैं सेल्फ ट्रेडर हूं, आप लोगों के हेल्पिंग पर्पस ये वीडियो डेली बेसिस बनाता हूं और दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड पर्पस, ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट डे यानी कि कल मैंने एक वीडियो डाला था एपिसोड नंबर 76 न्यू बोल के, तो उसको एक बार देख लीजिए क्योंकि वो आज के लिए मैं वीडियो बनाना था आज की कौन सा स्टॉक के ऊपर हम लोग ट्रेड कर पाएंगे उसको लेके, तो उसको मैं रिव्यू कर दूंगा। उसको एक बार देख लीजिए, नहीं देखा तो एपिसोड 76, ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 5 दिसंबर से मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है वो चालू होने को जा रहा है, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने सीट बुक कर चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मैंने बोला था कि वो लोग मंथ के शुरू में करेंगे, तो आप लोगों के लिए फाइनल एक कॉल है कि यहाँ पर मेरा सीट्स बहुत ही कम बचा हुआ है, तो अगर आपको वो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना है तो अभी से सीट बुक कर लीजिए। 5 दिसंबर से 10 डेज का होगा, शाम को 8 से 9 बजे का उसका टाइमिंग रहेगा, लाइव रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, और उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारे चीज वहां पर मैं सिखाता हूँ, इंट्राडे कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें, कैसे उसके ऊपर ट्रेड करें, एक सेटअप, एक स्ट्रेटेजी वहां पर सिखाता हूँ, और उसके साथ स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीजें वहां पर इंफॉर्मेटिव रहते हैं, तो उसको बुक कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। फीस दोस्तों कम से कम का है, एक ही ट्रेड पे निकल आएगा, इतना ही कम है, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और देख लेता हूँ कि कल मैंने जो वीडियो दिया था कौन सा मैं कैसे उसका परफॉर्मेंस रहा। तो फर्स्ट मैंने बोला था बर्जर पेंट्स के अंदर, मेरा जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पर भी मॉर्निंग में मैं बोल दिया था बर्जर पेंट्स। तो देखिए, वो जो बर्जर पेंट मैंने बाय कॉल दिया था वो लगातार यहाँ से तो शुरू हुआ, पूरा दिन भर ऊपर ही ट्रेड किया, उसका हाई था 657.7 का, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों का टारगेट था 662, फिर 657.7 का हाई तो देखे गया है, तो वहां पर अच्छा सा एक प्रॉफिट अराउंड 1.5% वहां पर प्रॉफिट हम लोगों को मिला है, तो बहुत होता है 1.5% इंट्राडे के लिए। तो बर्जर पेंट्स में कॉल जो मैंने दिया था वो निफ्टी कंजम्पशन वो पॉजिटिव था, तो उसके अंदर हम लोगों ने ट्रेड किया, निफ्टी वहां पर पॉजिटिव था और बर्जर पेंट भी ओपन हुआ था पॉजिटिव में, सारी चीजें हम लोगों का था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बाय किया था और वहां पर प्रॉफिट मिला है। सेकेंड कॉल जो मैंने दिया था इंफोसिस के अंदर, तो इंफोसिस में बाय कॉल था, इंफोसिस में मॉर्निंग में एकदम ओपन हुआ, उसके बाद लगातार ऊपर चला गया, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ एंट्री पॉइंट के लिए, क्योंकि वो मॉर्निंग है ही, एकदम जो लोग फर्स्ट ट्रेन पकड़ पाए उनको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर इसका जो आज का हाई था 1134 का हाई था, तो हम लोगों का जो टारगेटर 1130 तो अचीव हो गया था, तो इंफोसिस में भी अगर आप यहाँ पर भी बाय किए थे, थोड़ा ऊपर भी बाय किए थे, तो भी आप लोगों को अराउंड 1% वहाँ पर प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है। तो सेकंड जो था इंफोसिस के, थर्ड जो था टाटा स्टील, टाटा स्टील में बहुत सारे लोगों ने कमाया आज। टाटा स्टील में देखिए, मॉर्निंग में एक लो वहाँ पर लगाया था, उसके बाद एकदम हाई पे हाई 1245 से एकदम शुरू हुआ और उसका हाई 587.75 का लगाते हुए गया है, तो इसमें भी अराउंड 1% के ऊपर प्रॉफिट हम लोगों को मिला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। तीनों की तीनों कॉल आज जो मैंने कल कर दिया था, तो तीनों की ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो ये था दोस्तों कल का जो मैंने वीडियो रिव्यू कर दिया, देख लीजिएगा उस वीडियो को ताकि आपके मन में भी कोई वहां पर डाउट नहीं रहे, तो वही अच्छा होगा, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, ओल्ड वीडियो को देख लीजिए एपिसोड 76 को, ठीक है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूँ, देख लेता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे हो सकता है। निफ्टी में तो आज छोटा सा कैंडल ही बना, थोड़ा नीचे आया था मॉर्निंग में, उसके बाद पूरा ऊपर जाके एकदम पॉजिटिव होके क्लोज हुआ है। आज का हाई था 13,128 और लो था 12,963, क्लोजिंग आया है 13,097, तो मैंने भी लास्ट वीडियो में भी बोला था 13,100 के आसपास उसका रेजिस्टेंस है, तो उसका थोड़ा नीचे 13,097 पे वो क्लोजिंग आया है, लेकिन रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो चुका है, तो क्लोजिंग नहीं हुआ लेकिन एक बार ब्रेक, तो फिर से ये कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने का। अभी फिलहाल उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 13,180 के आसपास, ठीक है, और सपोर्ट जोन तो थोड़ा नीचे रहेगा
वो 12,800 के पास पास रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा कैंडल ही आज फॉर्मेशन हुआ है, उतना खास मूवमेंट तो नहीं रहा, एक बार नीचे गया था उसके बाद ऊपर आ गया। 29,511 इसका लो था, हाई था 29,917, क्लोजिंग आया है 29,786 में। तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 30,000 का, उसके बाद 30,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ 29,500 का सपोर्ट जोन, उसके नीचे 29,200 का सपोर्ट जोन रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप उस सपोर्ट जोन के आसपास मिले तो बाई करके चल सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस जोन के आसपास मिले तो सेल करके चल सकते हैं, लेकिन वो हम कल मोमेंटम कैसे रहता है उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ देख लेते हैं कि तीन स्टॉक्स जो आप लोगों के लिए मैंने चुन के रखा हुआ है वो कौन सा में है, तो देख लेते हैं फर्स्ट व्यू कौन सा में है। तो दोस्तों फर्स्ट जो हम लोगों का है वो है सिप्ला के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग सिप्ला के अंदर देख लेते हैं कि आज कैसे हुआ। 760 इसका हाई था और इसका जो लो था 746.3 का, क्लोजिंग आया है 753.1 में। तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन तो है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, और ये आज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग आया है, तो इसमें थोड़ा अभी पॉजिटिविटी नजर में आया है। तो कल अगर इसके अंदर इसका जो सेक्टर है सिप्ला का वो है निफ्टी फार्मा, वो अगर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है मॉर्निंग में तो हम लोग इसके ऊपर बाई करके चलेंगे। ठीक है, लेवल क्या रहेगा, सिप्ला बाय नियर 750, स्टॉप लॉस रहेगा 736, टारगेट रहेगा 768। सिप्ला बाय नियर 750, स्टॉप लॉस रहेगा 736, टारगेट रहेगा 768। ठीक है, और यहां पर अगर इसका सेक्टर नेगेटिव हो जाए तो हम लोग इसके अंदर बाय ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे। ये इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ट्रेंड के खिलाफ जाके ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों फर्स्ट व्यू सिप्ला के अंदर। अब नेक्स्ट स्टॉक के अंदर जाते हैं, जाने से पहले एक बात, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कॉमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए। ये जो स्टॉक्स यहाँ पर देते हैं उसका कोशिश करता हूँ टाइम टू टाइम उसका अपडेट देने के लिए वहां पर, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है तो उसका कैसे परफॉर्मेंस रहा स्क्रीन पे देखिए। तो देखिए आज मैंने इस पर ICICI बैंक का एक टाइम में सेल कॉल दिया था और उसके अंदर हम लोगों ने वहां पर प्रॉफिट बुक किया, तो वहां पर बहुत सारे मेंबर्स है, अराउंड 260 के ऊपर वहां पर मेंबर्स है, तो उन लोगों ने आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया। मेरा वो खुद का ट्रेड रहता है जो मैं वो प्रीमियम चैनल में शेयर करता हूँ, और लाइव मार्केट कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर स्टॉप लॉस, में पूरा वो लाइव मार्केट के अंदर वो अपडेट देता हूं। वो ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, 399 पर मंथ का फीस है, तो 399 ओनली फॉर वन मंथ। ठीक है, तो उसको आप वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे बात करके वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, 399 ओनली उसका फीस है। तो आपके पूरा देखिए यहां पर आज कैसे रहा, तो मैं स्क्रीन पे वो डाल चुका हूं, तो देख लीजिएगा एक बार, और अच्छा लगे तो वहां पर ज्वाइन हो जाइए ओनली 399 पे करके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग सेकेंड जो व्यू है हम लोगों का, आगे बढ़ता हूं और देख लेता हूं सेकेंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा ज़ील के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ज़ील के अंदर आज कैसे रहा, ज़ील के अंदर आज हाई था 198.25, 190 का लो था 196.1 इसका क्लोजिंग आया है। तो आप लोगों को दिखा देता हूं कि ज़ील जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर भागा है आज। ठीक है, ऊपर जाके बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो इसके अंदर भी एक अप ट्रेंड मुझे नजर में आ रहा है। तो इसका जो सेक्टर है निफ्टी मीडिया, तो वो अगर कल पॉजिटिव ओपन होता है और सस्टेन हो जाता है तो हम लोग ज़ील के अंदर करेंगे बाय। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर को चेक करना। तो लेवल क्या रहेगा, ज़ील बाय नियर 194, स्टॉप लॉस रहेगा 187, टारगेट रहेगा 202। ज़ील बाय नियर 194, स्टॉप लॉस रहेगा 187, टारगेट रहेगा 202। ठीक है, तो ये था दोस्तों सेकेंड व्यू हम लोगों का जो ज़ील के अंदर हम लोग कर पाएंगे, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका नेक्स्ट बार 5th December से स्टार्ट होगा, वहां पर 10 डेज का सेशन मैं खुद लेता हूँ, बहुत सारे चीज सिखाता हूँ, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे इंट्राडे के लिए एक सेटअप में देता हूँ, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, उसके साथ बहुत सारे चीज लाइक टेक्निकल एनालिसिस मैं सिखाता हूँ, कैसे चार्ट को देख के समझना है, रीड करना है, कैंडलस्टिक को समझना है, रीड करना है, उसके साथ वेब्स सिखाता हूँ, इलियट वेब्स, और उसके साथ मेनली वहां पर इंट्राडे के बहुत सारे
कैसे उसपे ऊपर ट्रेड करना है, पूरा सेटअप रहते हैं। और मेनली वहाँ पर और एक चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस का वास्ट वहाँ पर मैं सिखाता हूँ, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए, सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद का नॉलेज होना इस मार्केट के अंदर सस्टेन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। फीस दोस्तों कम से कम का है, उसका एक डेमो वीडियो में भी इस वीडियो का आई बटन में जोड़ दिया हूँ। और कॉमेंट सेक्शन में जाइए, फर्स्ट कॉमेंट में उसका जो लिंक आपको मिलेगा वहाँ पर मैं वो पिन कर दिया हूँ वो कॉमेंट, तो उसको एक बार देख लीजिए। अच्छे लगे तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ, अपने सीट बुक कर लीजिए। ठीक है, फीस दोस्तों कम से कम का है, एक ही ट्रेड में वो निकल आएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं, देख लेता हूं थर्ड जो व्यू है हम लोगों का कौन सा वाला में। थर्ड जो है वो कौन सा वाला में है देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड जो व्यू रहेगा वो रहेगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एक एफएमसीजी सेक्टर है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ये नजर में आ रहा है और नीचे आएगा, नीचे आ गया आज, तो उस पर हम लोग करेंगे सेल। आज का इसका हाई था 3702 और इसका लो था 3595 और इसका क्लोजिंग आया 3637 में। ठीक है, तो इस पे हम लोग करेंगे सेल, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए तभी हम लोग इसके अंदर करेंगे सेल, नहीं तो छोड़ देंगे। बाकी जो बाय कॉल मैंने दिया है उसके ऊपर कीजिए। ठीक है, तो और एक बात दोस्तों, मेरा जो टेलीग्राम सेशन है वहां पर उसका लाइव ट्रेड आज मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दिया कैसे हम लोग वहां पर ट्रेड किया है, तो वहां पर अगर ज्वाइन करना चाहे ओनली 399 उसका चार्जेस है, वो ग्रुप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं। और मेरा जो ओन ट्रेड रहते हैं ऑन लाइव मार्केट विद अपडेट, सारे चीजें वहां पर मैं डिस्कस करता हूं, बहुत सारे चीजें मैं वहां पर डिस्कस करता हूं, कैसे वहां पर ट्रेड एग्जैक्ट मैं जो करता हूं वहां पर शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को भी प्रॉफिट है। वहां पर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं डेली बेसिस, तो आप वहां 399 पे करके उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पर बात करके वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल क्या रहेगा ब्रिटानिया के अंदर हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटानिया के अंदर लेवल देखने से पहले दोस्तों यहां पर हम लोगों का जो डेली बेसिस में आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूं, ये वीडियो पोस्ट करता हूं आप लोगों के हेल्पिंग पर्पस, तो आप लोग एक लाइक करके जाइए। देखते हैं तो लाइक करने में तो पैसा नहीं मांग रहा हूं, है ना, तो लाइक थोड़ा कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। डेली बेसिस मैं वीडियो डालता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करते हैं लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली बेसिस आप लोगों का वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों ब्रिटानिया का लेवल क्या रहेगा, सेल लेवल ब्रिटानिया का एफएमसीजी सेक्टर नेगेटिव होगा तो ब्रिटानिया को करेंगे सेल। लेवल रहेगा 3650 के आसपास हम लोग इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3692 का, टारगेट रहेगा 3570 का। ठीक है, ब्रिटानिया सेल नियर 3650, स्टॉप लॉस रहेगा 3692, टारगेट रहेगा 3570। ठीक है, तो ये था दोस्तों ब्रिटानिया का व्यू जो हम लोग कल कर पाएंगे। तीन जो व्यू मैंने आप लोगों को दिया उसके ऊपर कल हम ट्रेड करेंगे। तो कल हम लोग फिर से मार्केट आज के बाद मिलेंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो देने में, सॉरी, तो मेरा खुद का कुछ काम था इसीलिए मैं आज ये लेट शूट कर पाया। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं आफ्टर मार्केट आज कल मिलूंगा और ये चार चीजों जो यहाँ पर दिया है रिव्यू करूंगा, उस परसों के लिए कॉल देके हुए जाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।